हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और इजी सा सुंदर सा डोरमेट का डिजाइन लेके आई। तो देखिए, इस डोरमेट को मैंने टू कलर में बनाया है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलियों वाला राउंड शेप में बहुत ही सुंदर डोरमेट हमारा बन के आया है। आप इसको डोरमेट की जगह यूज कीजिए, पूजा आसन की जगह यूज कीजिए, टेबल मैट की जगह यूज कीजिए, थाल पोस की जगह यूज कीजिए, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको वूल में बनाया है। अगर आप वूल में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और मेरी वूल ये थोड़ी सी मोटी है। अगर आपकी वूल बारीक है तो आप उसको ऐसे डबल करके फिर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। और आप इसको बनाना चाहते हैं पुरानी चुन्नी और पुरानी साड़ी वगैरह में, पुरानी वूल में, तो आप यहाँ पर पुरानी वूल को डबल करके बनाएंगे तो 9 नंबर की सिलाई लगाइए, और पुरानी चुन्नी और पुरानी साड़ी से बनाएंगे तो आप यहाँ पर 8 नंबर की या 6 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, तो बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसे सिंगल धागा लेंगे, एक नोट ऐसे लगाएंगे, ऐसे नोट लगा के, और यहाँ पर एक फंदा बना लेंगे। ऐसे फंदा बनाने के बाद ऐसे लेंगे धागे को और ऐसे फंदा बनाएंगे, यहाँ से डाल लेंगे ऐसे फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे ऐसे फंदा बनाएंगे, अंगूठे वाले धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे मैं 15 फंदे डाल लूँगी। इसके फंदे हम जोड़े के हिसाब से डाल के और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमारा डिजाइन अच्छे से बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जोड़े के हिसाब से फंदे डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लेंगे, यानी ओड नंबर में हम इसके फंदे डाल लेंगे। तो चलिए मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए हैं, ओड नंबर में फंदे डाले हैं, यानी जोड़े के हिसाब से डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है। मैंने यहाँ पर 15 फंदे डाले हैं। ये डोरमेट मैंने ज़्यादा फंदों में बनाया है, ये यहाँ पर मैं आपको कम फंदों में बना के दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो फंदे, सभी फंदे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको सिर्फ उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, आप इसको टू कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट रो यहाँ से उल्टी बनाई, अब सेकेंड रो को फिर से उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। स्टार्टिंग से ही इसको बनाएंगे। आपको जितना भी बड़ा चाहिए आप उतने फंदे डाल के, जोड़े के हिसाब से डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लीजिए। जैसे आप 40 फंदे डालिए एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लिए, 30 फंदे डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा डालिए, जितना बड़ा भी साइज आपको चाहिए उतना ही आप बना लीजिए। तो देखिए, ये दो रो मैंने बुन ली है। अब यहाँ से अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से डिजाइन बनाएंगे तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जो ये दो फंदे हैं इन दो का एक बनाएंगे ऐसे आगे से, धागा अपनी तरफ रहे दो का एक बनाएंगे। तो एक ये यहाँ पर जाली डल गई, एक फंदा बन गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक बार फिर बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो फंदों से हमारे 4 फंदे बन गए। फिर से दो फंदे धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों के 4 फंदे बनाएंगे।
एक बार बनाया, धागा आगे, फंदा बुना, फिर से अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर बनाएंगे। ऐसे दो फंदों से चार फंदे हमारे बन जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदों के चार, दो का एक बनाएंगे, ऐसे धागा आगे करके फंदा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे एक बार, फिर से बनाएंगे। तो दो फंदों से हमारे ये चार फंदे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों से चार फंदे यहाँ पर बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ किया, एक बार फंदा बनाया, फिर से धागा अपनी तरफ किया और एक बार फिर बनाएंगे। अब इन फंदों को ऐसे गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये दो फंदे हैं, दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर से बनाएंगे। और ये लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये चार फंदे हैं, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, और दो फंदों का एक बनाएंगे। तो चार फंदों से फिर से हमारे वही दो फंदे बन गए। फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। अब फिर ये चार चार फंदों के जोड़े नजर आएंगे, तो दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। सीधी तरफ से हमने दो फंदे बढ़ाए थे, दो से चार बनाए थे, अब यहाँ पर चार फंदों से दो बनाएंगे। बहुत ही आसान डोरमेट डिजाइन है और बहुत ही प्यारा सा बन के आता है। यहाँ पर सभी फंदों के दो का एक करते जाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, तो देखिए यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो गया है। अब फिर ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये दो फंदे हैं, दो का एक फंदा बनाएंगे जाली डालते हुए। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंदे से चार फंदे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से जो ये दो फंदे हैं, दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर से बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक आगे की तरफ से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। सीधी तरफ से हमने दो फंदों से चार फंदे बनाने हैं। फिर से यहाँ से दो का एक करेंगे जाली डालते हुए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़े थे, अब की बार इन दो फंदों को छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको चार चार फंदों के जोड़े पेयर नजर आएंगे, तो चार से दो फंदे बनाएंगे। तो दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे, फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक बनाएंगे। ऐसे ही इस पूरी सिलाई को हम बना लेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर से दो फंदे लेंगे, दो का एक बनाएंगे। सीधी तरफ से दो फंदों से चार बनाएंगे और बैक साइड से चार से दो फंदे बनाएंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे अब मैंने ये बनाई है चार सिलाइयाँ, ऐसे ही आप यहाँ तक बना लीजिए। फर्स्ट में ये दो छोटे थे, फिर ये छोटे, अब ऐसे बुनते जाएंगे तो इन फंदों को छोड़ देंगे, यहाँ तक बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे।
तो इसको मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आगे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इस कले को बुन लिया, यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए हैं, दो दो फंदे छोड़ते हुए आए हैं, आगे बनाएंगे तो इन फंदों को हम और बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक बार, फिर से बनाएंगे। तो दो फंदों से चार फंदे बन गए, यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इन चार फंदों से दो फंदे बनाएंगे, सीधी तरफ फंदे बढ़ते हैं और बैक साइड में फंदे घटते हैं, दो बनाएंगे। लास्ट के फंदे को ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। तो देखिए अब ये यहाँ पर हमारी कली कंप्लीट हो गई। अब देखिए कैसे करेंगे आगे। फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे इस सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आता है और बहुत ही इजी डिजाइन है। और ये डिजाइन तो इस तरह से है, इसको आप स्वेटर वगैरह में भी डालना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये डिजाइन बहुत ही प्यारा बन के आता है। यहाँ पर पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरी सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली। अब आ जाइए इसके रोंग साइड में। तो रोंग साइड में देखिए अब यहाँ पर अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये रेड कलर है मेरे पास, यहाँ पर मैं ये रेड कलर अटैच करूँगी। सेकंड कलर को हम बैक साइड से लगाएंगे, इसको अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे। और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, किसी भी साइज में आप बनाइए, बनाने का प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा। जोड़े के हिसाब से फंदे डालिए और एक फंदा अलग से डाल लीजिए। जो एक फंदा हम एक्स्ट्रा डालेंगे उससे हमारा ये किनारी वाला फंदा बन जाएगा। इसको बगैर बुना ही उतारते जाएंगे लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पर अब हमारी कली कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड कली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखिए फिर से ऐसे ही बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों से चार फंदे बनाएंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ से बनाया था ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सेकंड कली स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने इसके अंदर ये 10 कली बनाई है, 5 कली हमारी रेड कलर की है, 5 हमारी येलो कलर की है। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पर जितना बड़े साइज में आप बनाएंगे उतनी ही कली आपकी बढ़ती जाएंगी। और इसी तरह से आप बना लीजिएगा, मल्टी कलर में बनाइए, टू कलर में बनाइए, वूल में बनाइए या पुरानी चुन्नी या साड़ी वगैरह से बनाइए। बहुत ही ईजी डिजाइन है, इस तरह से कली बनाते जाइएगा। ये कली बनाई फिर रेड बनाई, अगर मल्टी कलर में बनाएंगे तो सभी कलर आप अलग अलग लगा लीजिएगा। लास्ट में आके आपका एकदम राउंड आ जाएगा, फिर फंदे बाइंड ऑफ करके और इसकी सिलाई कर देंगे तो इस तरह से बन के आएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डोरमैट, पायदान, पूजासन, टेबल मैट, थालपोश आपको कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।